ज्योतिष में ग्रहों का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल से जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। ग्रह समय समय पर एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। ग्रहों के गोचर से कई बार दूसरे ग्रहों के साथ युति बन जाती है, जिसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसी ही दो ग्रहों की युति कुछ दिनों में बनने वाली है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई से वृषभ राशि में गोचर कर गए हैं और अब 19 मई को सुख धन वैभव और सौंदर्य के दाता ग्रह शुक्र भी वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इस तरह से दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों की युति वृषभ राशि में होने जा रही है। गुरु शुक्र की युति से कुछ राशि वालों के लिए फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको इस गोचर से बेहद लाभ होगा। सबसे पहले नाम है मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु शुक्र की युति बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। यह युति आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन के स्थान पर होगी। ऐसे में आपको अचानक धन लाभ और सुख में भी आपके वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आपको कई अवसरों की नई नई प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, जिससे आपको अपने जीवन में राहत का एहसास होगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। गुरु और शुक्र की युति आपकी ही राशि में बनने जा रही है। ऐसे में यह सहयोग बहुत ही शुभ साबित होगा। जीवन में खुशियों के साथ साथ बेहतरीन अवसर मिलेंगे। जो लोग कई दिनों से किसी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन खुशहाल बीतेगा। जीवन साथी का आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र का संयोग आपकी कुंडली के कर्म भाव यानी 10वें स्थान पर बनेगा। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है। नौकरी और कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कानूनी वाद विवाद में भी आपको सफलता जरूर हासिल होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।